हेलो फूडीज, मैं हूं नम्रता और आपका स्वागत है फूड यू लव में। आज हम टेस्टी हर्बल टी बनाएंगे जिसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है और जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है थोड़ा सा गौती चहा, 2 इलायची, 8 तुलसी के पत्ते, 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 टीस्पून सौंफ, 3/4 टीस्पून धनिया, 8 काली मिरी, 4 लौंग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 इंच दालचीनी और 1/2 नींबू और पानी। चाय में मिठास लाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। इसकी जगह पे आप शहद या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ है वो इसे बिना शक्कर के या शुगर फ्री के साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम चाय बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 800 ml पानी लेंगे, ये 4 कप होता है। अब यहाँ पे हम गैस शुरू करेंगे और पानी को उबलने के लिए रखेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे अदरक, तुलसी के पत्ते डालेंगे, गौती चाह, इलायची को हम थोड़ा सा मरोड़ के चाय में डालेंगे। चाहे तो इसे आप खलबत्ते में थोड़ा सा पीस सकते हैं। मैं यहाँ पे चिमटे की सहायता से कर रही हूँ। अब लौंग, काली मिरी, धनिया, सौंफ और दालचीनी, इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे पानी में और उबालने के लिए रख देंगे। जब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता हम इसे उबालते रहेंगे। इस चाय को धीरे धीरे ही उबलने दें। अब हमारे चाय की क्वांटिटी लगभग आधी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम चाय में गुड़ डालेंगे। अगर आप यहाँ पे शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सर्व करने के जस्ट पहले ही शहद डालें, इस वक्त शहद ना डालें। गुड़ पूरी तरह से घुलने तक हम इसे और उबालेंगे। अब हमारा गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है। यहाँ पे हम हल्दी डालेंगे और इसमें नींबू को निचोड़ लेंगे। अब हम इस चाय को छन्नी से छान लेंगे। ये चाय ना सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करती है बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज भी है। अभी की जो ये सिचुएशन चल रही है, आपको इसे डेली पीना चाहिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। होप यू लाइक इट।